दुनिया बदल रही है, बस एक तू नहीं बदला। एक शिकार की तलाश में जो आज तक हाथ नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष की, जो कि ओम रावत द्वारा डायरेक्ट की जा रही है, जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर 2020 में दी, ब्लॉकबस्टर हिट रही। और ये फिल्म रामायण पर आधारित होने वाली है, यानी कि श्री राम के किरदार में आपको नजर आएंगे प्रभास। और इसका बजट जो है दोस्तों, वो SS राजामौली की RRR से भी ज़्यादा है, यानी कि 400 से 500 करोड़ का बजट इस फिल्म का रखा गया है। पैन इंडिया ये फिल्म होने वाली है, और सिर्फ 5 भाषाओं में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री की लैंग्वेजेस में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि भयंकर बज बनाना चाहते हैं इसके लिए मेकर्स और इंटरनेशनली से रिलीज करना चाहते हैं। अब श्री राम के किरदार को तो हमारे प्रभास निभाने वाले हैं, लंकेश के किरदार को सैफ अली खान निभाने वाले हैं, तो अजय देवगन कौन सा किरदार करने वाले हैं, सवाल ये उठता है। तो कहा जा रहा है कि शिव के रूप में, यानी कि भगवान शिवा का किरदार कर सकते हैं अजय देवगन। और अब इस फिल्म से एक और नाम जुड़ गया है जो कि काफ़ी टेंशन वाला है, और वो है अनन्या पांडे, बॉलीवुड की मोस्ट स्ट्रगलिंग गर्ल, जो कि अपनी टंग से नोज को टच कर सकती है, इस तरह की बातें वो करती है। तो आदि पुरुष में उनका होना थोड़ा सा हमें डाउट में डाल देता है कि वो कौन सा किरदार करेंगी। और सीता मैया का किरदार, अगर वो अब टेंशन में आ गए कि सीता मैया का रोल तो नहीं करेंगी अनन्या, तो ऐसा नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है, वो किसी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगी। अब ये सपोर्टिंग रोल कौन सा होगा, ये तो फिल्म से ही पता चलेगा, ये तो मेकर्स ही अनाउंस करेंगे। फिलहाल सीता मैया का रोल कौन करने वाला है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कुछ जो ऑडियंस की तरफ से मिले जुले व्यूज़ आ रहे हैं और वो सजेशंस दे रहे हैं, तो उसमें अनुष्का शेट्टी का नाम आता है। अनुष्का काफ़ी बेहतरीन करती है माइथोलॉजिकल रोल्स, जैसे कि भागमती टाइप के रोल उन्होंने भी किए हैं, साथ ही उन्होंने प्रभास की फिल्म बाहुबली में भी बहुत अच्छा किरदार किया था देवसेना का, उन पर सूट भी करते हैं ऐसे किरदार। तो अगर प्रभास के अपोजिट सीता मैया के रोल में आपको अनुष्का शेट्टी नज़र आएगी, तो ये इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वैसे आप किसे चाहते हैं सीता माता के रूप में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि इसमें जो लक्ष्मण का किरदार है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऑफ़र किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि उन्होंने इसके लिए हामी भरी है या नहीं भरी है। लेकिन जो भी हो, इस फिल्म में कुल मिलाकर मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े सुपरस्टार है, साउथ के सुपरस्टार प्रभास, ऊपर से सैफ अली खान और अजय देवगन भी है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।